दिल्ली पुलिस ने 19 अप्रैल से 13 मई के बीच लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का चालान काटकर उनसे 1,15,00,000 रुपए वसूले हैं। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि इस दौरान बिना मास्क वाले 51,878 लोगों के चालान काटे गए। शारीरिक दूरी का पालन न करने पर 8,223 लोगों के चालान किए गए। किसी तरह के समारोह में तय मानक से अधिक भीड़ जुटने पर 391 लोगों के चालान, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 57 लोगों के चालान, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पान मसाला आदि सेवन करने पर 65 लोगों के चालान काटे गए। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बिना वजह बाहर घूमने पर 5,174 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं 4,536 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। इस दौरान 14,446 वाहन जब्त किए गए। उन्होंने आगे कहा कि 2,04,673 को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।